हाय गाइस, वेलकम टू माय अतरंगी ब्लॉग्स। तो आज बना रही हूँ मैं खीर और बहुत सारा खाना बन रहा है क्योंकि हमारे घर है नौकन्या और घर की पूजा। और आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा हमारा घर। हाँ, की बुआ भी आ गई है फटाफट। अभी क्या प्रसाद बना रहे ना दीदी? क्या प्रसाद? आटा प्रसाद। लड्डू गोपाल संदीप भी आया है। सोना कहाँ गई? अरे सोना इधर आ। ओ हाय, वेलकम टू माय अतरंगी ब्लॉग। तो आज है घर की पूजा, सारी तैयारी हो गई है। राजा की मम्मी आ गई है, बाबू की भाई बहन, तो वो पूरा आधा भाग दौड़ वो संभाली है, पूड़ी वगैरह का खाना सब्जी वगैरह रेडी हो गया। पंडित जी आते हैं फिर पूजा वूजा होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग फाइनल आपको रूम दिखाएंगे कि कैसा रूम बना है, क्या क्या है। और बाकी थोड़ा बहुत मेसी होगा उसको इग्नोर मारिएगा क्योंकि वो धीरे धीरे जमते हुए जमेगा। अभी हमें 2 ही दिन हुआ आए हुए तो जितना पॉसिबल था उतना हमने जमा दिया है। तो आज हमारे साथ आपकी घर की पूजा में शामिल हुई है और लास्ट तक ब्लॉग इन्जॉय करें। यहाँ दीदी बना रही है पूड़ी। प्रसाद वगैरह भैया बना रहे, दिखाती हूँ आपको। यहाँ ये है राजा के पापा और यहाँ भैया। प्रसाद बन गया? कहाँ है प्रसाद? ये खीर और दाल वगैरह यहीं पे मम्मी बेल रहे पूरी। घर की पूजा के साथ साथ हमने सोचा नवरात्रि चल रहे तो नौकन्या भी बुलाई जाए, तो हमने नौकन्याओं को बुलाया था खाना खाने के लिए, जैसे कि हर नवरात्रि पे हर हिंदू फैमिली बुलवाती है। तो हमने सोचा इस बार हम भी बुलवाए और हमने जो जो हमसे बन पड़ा हमने उन लोगों के लिए प्रसाद बनाया, वो लोगों ने खाया अच्छे से। और जो जो श्रृंगार वगैरह देने का होता है वो सारा कुछ हमने दिया। हमने चुनरी उड़ा दी और श्रृंगार के बदले हमने उन्हें पैसे दे दिए क्योंकि श्रृंगार तो हमें हर घर पर मिलता है, तो पैसे से वो कुछ भी अपना पसंद का चीज़ खरीद सकते हैं। एंड साथ ही साथ प्रसाद, एक्स्ट्रा प्रसाद भी। एंड उसी के साथ हमारी नौकन्या यहाँ से फुल मस्ती के साथ खुशी खुशी विदा हुई। उसके बाद स्टार्ट हुआ घर की पूजा का कार्यक्रम। आ गए हैं, अभी पूजा करेंगे ना पंडित जी घर की पूजा। यहाँ रंजीत भी अभी आ गए। क्या है मिली गिफ्ट? ये क्या है प्रसाद? ये हमारी भौजी भी आ गई। चलो टाटा। यहाँ सब कोई कर रहे हैं पूजा की तैयारी। पंडित जी थोड़ा लेट हो गए थे इस वजह से हमने पहले नौकरानी को खाना खिलाया, उसके बाद हमने तैयारी की पूजा की, जिसमें भैया और संदीप गांव से आए थे और बाबू की बड़ी दीदी, उनके जीजा और हमारे कुछ एक्स पड़ोसी जो पहले हमारे साथ रहते थे और हमारे हर सुख दुख में आते हैं वो लोग भी आए हुए थे। और सबको हमने इन्विटेशन दिया था, जो जो आ सकते थे वो आए। ये है हमारी भौजी। पूजा वूजा का तैयारी चल रहा है और अभी पूरा सेटअप हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे। हमारी भौजी कैसी लग रही है जरा देख के बताओ? भौजी अच्छी लग रही है? मैं ज़्यादा अच्छी। ये मेरी जान है छोटा सा। मेरी माँ थक गई, वो पूरी बेल बेल के, पूरी बेल बेल के मेरा बच्चा पूरी हो गया, एकदम फूल गया पूरी। अम्मा वो नहीं लग। तो घर की कोई भी पूजा होती है, हमारे खुद के घर की पूजा हो रही है तो इसमें मियाँ बीवी बैठते हैं, हस्बैंड वाइफ बैठते हैं और जो दीदी होती है जो लड़के की बहन होती है वो गठबंधन करती है ताकि कभी टूटे ना जो भी हमारा साथ है। तो उन्होंने, बाबू की दीदी ने गठबंधन किया, उसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई। मुझे सारा कुछ नहीं आता है, बाबू को आता है तो सारा कुछ बाबू कर रहे थे। मैं देख रही थी जो जो चीज़ें हैं जिसमें मैं शामिल हो सकती हूँ उसमें मैं शामिल होती हूँ। तो कोई भी कमेंट ना करे कि आप मुस्लिम हो हिंदू बन जाओ, हिंदू हो में आ गए हो तो मुस्लिम छोड़ दो। भाई मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम ही रहूँगी, वो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। सारे धर्म का सम्मान करना और चीज़ों में शामिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप
आप उस धर्म के हो गए या कन्वर्ट हो गए, ये सफाई नहीं दे रही हूँ मैं, बस ऐसे कमेंट करने वाले लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ में शामिल हूँ, लेकिन जो मेरा धर्म है वो मेरा है, जो उसका धर्म है वो उसी का है। तो यहाँ पंडित जी कर रहे थे पूजा, जो कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने संपन्न किया, सारी चीज़ें हमने अच्छे से सेलिब्रेट की। यहाँ सारे लोग, घर के बड़े, जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई है, दीदी है, वो लोग भी आए थे, क्योंकि दीदी का हाथ लगता है अपने भाई के घर के दरवाजे पे, तो लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है। तो बाबू की दीदी और हमारी बेटी सोना, दोनों के हाथ के छप्पे लगने थे, जिसके लिए पूजा अनिवार्य थी और पूजा कराना ज़रूरी होता है हिंदू रीति रिवाज में। और हमारी फातिहा तो हो ही चुकी है ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में और भी चीज़ें होंगी जो हमारे रिलीजन में होती है, और जो बाबू के रिलीजन में होती है वो भी हम कराएंगे। तो हम जात पात नहीं मानते, तो हम चाहते कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ये सब ना माने, सारी चीज़ों पर आप लोग भी शामिल होइए। ज़रूरी नहीं है आप उस चीज़ों को, उस धर्म को अपनाओ, बट शामिल होने से, किसी का सम्मान करने से आप उस धर्म के नहीं हो जाते हो, या आपका धर्म नीचा नहीं हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बाबू के साथ ही बैठी हुई थी, क्योंकि मैं बीवी हूँ, बीवी का पूजा में साथ में बैठना ज़रूरी होता है। एंड जो जो चीज़ें करनी है वो बाबू कर रहे थे, कैसे होती है क्या होती है वो सारा कुछ उनको पता है। तो मुझे बैठना था साथ में, और मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से साथ में बैठी थी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा धर्म चेंज हो गया या मैं अपना मुस्लिम धर्म छोड़ती हूँ। सम्मान में सारे धर्मों का करती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का, लेकिन मानती मैं अपना धर्म हूँ, और हमेशा मरते दम तक मेरे को गर्व है कि मैं मुस्लिम हूँ, और मेरे को कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा हस्बैंड हिंदू है। मेरे को बहुत टाइम से वो पानी आग में डालने का मन था, लेकिन बाबू मेरे को करने नहीं दे रहे, तो मैंने अचानक से किया। पंडित जी ने बोला हाँ हाँ ऐसे करते हैं, तो फिर सब कोई हंसने लग गए, और मेरे को मतलब देख देख के मन हो रहा था कि ये सब चीज़ डाल रहे हैं तो मैं भी सब चीज़ डालूं, बट वो आदमी लोग का काम रहता है, तो बाबू कर रहे थे और सबको हंसी आ गई। मैंने बिना पूछे छेड़ दिया तो तो यहाँ पूजा कंप्लीट होने आई थी 3 घंटे तक के, पंडित जी कुछ पढ़ते हैं, कथा वथा बताते, कहानियाँ वगैरह, और ये सारा कुछ सामान हम लोगों ने जो जो वहाँ पे लगता है वो सारा कुछ चढ़ाया था, वो भी आप लोग देख लीजिए कैसे होती क्या होती है। और यहाँ आरती के साथ हमारी पूजा हुई कंप्लीट, और जो गठबंधन हमारे बंधा हुआ है बाबू के गमछे से मेरी साड़ी में, वो दीदी खोलती हैं, और एक यहाँ पे रसम होती है जिसमें दीदी ही बांधती है और दीदी खोलती है, जिसमें हमें उन्हें जो भी हम अपनी तरफ से उनको दे सकते हैं वो देते हैं, जो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भैया सब प्रसाद बना रहे थे सबको देने के लिए, यहाँ हम दीदी को साड़ी दे रहे हैं वो गठबंधन खोलने के लिए, और हमारे घर में अपनी हाथ का छप्पा देने के लिए। नींग के बाद फाइनली अभी दीदी हमारे घर पे छप्पा लगा रही है, और अपना छप्पा के साथ साथ वो अपना आशीर्वाद देती है, दुआ करती है, मतलब प्रार्थना करती है कि अब मेरे भाई का घर अच्छा अच्छा बन गया, तो फूले फले जो भी। और उसके बाद दीदी उसमें तिलक वगैरह भी लगाएगी, देन आगे हम सोना सोई हुई थी उसको नींद से जगा करके हमने उसका भी छप्पा लिया है, तो वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, तो आप आगे का वीडियो एंजॉय करें। कहते हैं बेटियां लक्ष्मी होती है, तो हमारी दीदियों के साथ साथ हमारी सोना भी हमारे लिए लक्ष्मी है, क्योंकि जिस दिन सोना पैदा हुई थी उसी दिन इस घर का डिसाइड हुआ था कि हम ले रहे हैं। हमें यहाँ शिफ्ट होने में लेट हुआ, लेकिन हम 2 साल पहले ही इस घर का पूरा फाइनल हो चुका था, बट हम
दूर है या कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही थी जिस वजह से शिफ्ट नहीं हो पाए थे, तो हमने सोना का भी छप्पा करवाया। सो के उठा है ना, इसलिए डर है। ये सोना का, ये सोना की बुआ का। चलो बैठ गए खाना खाने। दीदी खिला रही है सोना मोबाइल के लिए। जीत करी एल हमारे संदीप की तरफ से घर गिफ्ट घर पे लगाने के लिए राधा कृष्ण का। अच्छा लव बर्ड्स है ना ये लोग, इसलिए। अच्छा ठीक ठीक, एक नंबर लगाएंगे इनके दीवार पे। हमारी शिल्पा आ गई, आशु भैया मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, पता नहीं इसमें क्या है। ब्लॉग ये है कि मेरे को वो भी मिला है कृष्णा और ये मिला गणेश। मैं इसको हॉल वगैरह में इधर नहीं लगा सकती, रखना पड़ेगा इसको कहीं पे, नमाज नहीं होगा मेरा। इसको रख देंगे पैक करके, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सजा देंगे कहीं, ठीक है। तो कभी कभी वीडियो में देखी बोली मैं दी पे वो लगाई नहीं, पूजा कमरा नहीं है हमारा, नमाज रूम है। हाँ पूजा के लिए यहाँ पे वो लगवाएंगे ना एक ठो, उसमें मंदिर रख देंगे इधर। अब हाँ हाँ किचन विचन में देखते हैं। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, भैया लोग दीदी लोग सब गांव चले गए अपने वापस, और यहाँ अभी पूरा फुल टाइट चल रहा है माहौल। बाबू भी सफाई वफाई कर रहे हैं, मैं भी कर रही सफाई। मैं आप लोग को रूम दिखा देती हूँ। ये यहाँ से रूम एंटर्ड है, सीढ़ी से आएंगे हम ऊपर। यहाँ अभी थोड़ा बहुत जो सामान है वो कल चला जाएगा, कबाड़ी वाला आके ले जाएंगे। और यहाँ ये जो सूर्य है वो नीचे आएगा, इतना ऊपर नहीं रहेगा, अभी हमने इमरजेंसी के लिए लगाया। और ये है रूम, रूम का एंटर, यहाँ पे पैर वर पूछने का। एंड यहाँ से हम होंगे एंटर, बाबू काम कर रहे थोड़ा बहुत। सो इस तरफ दीवार में हमने लगाई टीवी, वो सोना का खिलौना, ये भी कूलर ऐसे ही लगा है। जब तक के सोफ़ा नहीं आता गत्ता यहीं पे रहेगा, कोई आए बैठने उठने के लिए अम्मी के लिए अभी फ़िलहाल। तो यह हमारी अम्मी, यहाँ से खिड़की, खिड़की का हम आपको दिखाते हैं व्यू। यहाँ से है व्यू, ठीक है। तालाब है सामने बहुत बड़ा सा। उसके बाद ये मतलब पूरा अपना हॉल है, उसके बाद ये अपना रूम, ये हमारा बेडरूम। और अभी यहाँ पे आएगी अलमारी, तो बाकी सब सामान हो जाएगा। एंड ये वॉशिंग मशीन चल जाएगी बालकनी में। एंड वहाँ से भी व्यू है बट अभी नहीं दिखा सकती, थोड़ा सा देखती दिखा सक। पूरा सामान रखा हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ से भी व्यू है। ये यहाँ से हमारे से रूम से ये आउटसाइड का खिड़की है। ये हट जाएगा तो बाद में आपको रेगुलर ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो ये हमारा फाइनल रूम, रूम बेडरूम। एंड यहाँ है वॉशरूम, वॉशरूम शावर और टॉयलेट मत देखो। एंड यहाँ सारा सामान वामान, ये है अपना किचन। यहाँ से भी खिड़की है, यहाँ से भी सामने पूरा व्यू है। अपना किचन, खिड़की हम बंद करेंगे जो बेडरूम से खोले थे। एंड ये है बालकनी, बालकनी में हमने नल लगा दिया ताकि यहाँ यूज़ हो। यहाँ से ये है व्यू। अभी खड़ी हूँ बालकनी में, ये है हमारे रूम का रूम टूर, छोटा सा क्विक सा। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें सस्ती जाएंगी तो वैसे वैसे मैं आप लोगों को डेली ब्लॉग में भी दिखाती रहूँगी। एंड ये हमारा 1 BHK का छोटा सा रूम, हॉल किचन लेटरिन बाथरूम। तो
अभी सब कुछ सेट हो गया है, धीरे धीरे प्रॉपर सेट हो जाएगा। दो दिन ही हुए आने और बिल्कुल भी आराम नहीं किए, बहुत ज़्यादा थके हुए। तो अभी पूरा प्रॉपर काम करके थोड़ा आराम आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मस्ती से ब्लॉग बनाते रहेंगे रोज़ और डेली ब्लॉग अपलोड करते रहेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसको अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।